Hello students, welcome back to Banking Planet. Today we are going to discuss current affairs of 30th June 2020 and this session going to be bilingual session. जी फ्रेंड्स, ये सेशन होने वाला है बायलिंगुअल. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, लेकिन जिससे पहले हम शुरू करें हमारा सेशन आज का, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को. आप जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर कर दीजिए और इसकी रीच को मैक्सिमम बढ़ा दीजिए. तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रतन लाल कटारिया हैज लॉन्च डैश एनुअल एक्शन प्लान 2021. 2020-21 का एक्शन एनुअल एक्शन प्लान कौन सा लॉन्च करा गया है, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रतन लाल कटारिया इनके द्वारा, और इन्होंने लॉन्च करा है नशा मुक्त भारत. नशा मुक्त भारत लॉन्च करा गया. ऑप्शन ए हमारा बन जाता है आंसर. नशा मुक्त भारत लॉन्च करा गया है मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अच्छा, तो ये हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत. थावरचंद गहलोत जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं. आइए हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स. यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रतनलाल कटारिया हैज लॉन्च नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग विद is celebrated every year on 26th June. The theme for 2020 is better knowledge for better care. Union Minister जो है for state social justice and empowerment, उनके द्वारा जो लॉन्च करा गया ये नशा मुक्त भारत कैंपेन जो कि एनुअल एक्शन प्लान है, ये लॉन्च करा गया था 26 जून को जो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इसके अगेंस्ट, और जिसकी इस साल के लिए थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर. नेक्स्ट, एज पर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 विच इंडियन सिटी हैज बिकम द ओनली सिटी टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, जो कि एज पर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है 2020, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की केवल एकमात्र शहर एकमात्र सिटी कौन बन गया है जो कि टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में अपना स्थान बना सका है. एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी, बेंगलुरु बन गया है इंडिया का ओनली सिटी जिसने अपना स्थान बनाया है टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में, और इसकी रैंक बनी है 26th. इसकी रैंक कितनी बनी है? 26th बनी है. और जो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें मुंबई ने रैंक हासिल करी है फर्स्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में. नेक्स्ट, और बेंगलुरु ने रिसेंटली प्राण वायु प्रोग्राम भी लॉन्च करा था. हु हैज इनॉग्रेटेड द 2-डे डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन गुजरात. हाल ही में किनके द्वारा इनॉग्रेट करी गई है 2-दिवसीय 2020 डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात में, और ये लॉन्च करी गई है श्रीपद नायक. ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस. मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट है राजनाथ सिंह जी. हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर हैं डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह जी. और स्टेट के लिए जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो अंडर काम करते हैं यूनियन मिनिस्टर के. और जो इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो किसी के अंडर काम नहीं करते. तो ये जो श्रीपद यसो नायक है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं. तो ये राजनाथ सिंह जी के अंडर काम करते हैं. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. तो ये डिफेंस कॉन्क्लेव लॉन्च करी गई है गुजरात में. अब गुजरात आए तो हम गुजरात के फैक्ट्स डिस्कस करते हैं. तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी हैं. चीफ मिनिस्टर जो हैं विजय रूपानी हैं, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत. आचार्य देवव्रत है गवर्नर, और विक्रमनाथ हैं चीफ जस्टिस. विक्रमनाथ हैं
चीफ जस्टिस, और रिसेंटली गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर एशियाटिक जो है एशियाटिक लॉयंस है उनकी सेंसस हुई थी, जिसका जो कि जिसका नाम रखा गया था पूनम अवलोकन। पूनम अवलोकन रखा गया था, हमने डिस्कस करा था हमारे सेशन में, और ये एक सेंसस हुई थी एशियाटिक लॉयंस की, और जिसमें इंक्रीमेंट हुआ था 29% से। नेक्स्ट, रिसेंटली 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ विच स्टेट यूटी हैज वॉन दी कायाकल्प अवार्ड फॉर दियर अचीवमेंट्स इन दी हेल्थ सेक्टर एंड इमर्ज टू बिकम दी बेस्ट इन हॉस्पिटल कैटेगरी 2019-20। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की जो 6 डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल हैं उनको दिया गया है, उन्होंने वॉन किया है, जीती हैं, विनर रही हैं कायाकल्प अवार्ड, उनकी अचीवमेंट्स हेल्थ सेक्टर के लिए, और बन गई हैं बेस्ट हॉस्पिटल, और कौन सी कैटेगरी में, हॉस्पिटल कैटेगरी 2019-20 की कैटेगरी में बेस्ट हॉस्पिटल एज इमर्ज हुई हैं। तो ये हुई हैं, आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हॉस्पिटल हैं उनको दिया गया है कायाकल्प अवार्ड। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं जी सी मुर्मू हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर। तो आइए हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। और लद्दाख के जो गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज इनॉग्रेटेड 2 क्रूशियल ब्रिज। हाल ही में जो करंट अफेयर हमने डिस्कस करा था, 2 जो क्रूशियल ब्रिज लॉन्च करे गए थे जम्मू कश्मीर में, देविका उधमपुर में और पुनेजा डोडा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट जो है जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। सुकून इनिशिएटिव भी लॉन्च करा गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, और समग्र शिक्षा प्रोग्राम है वो लॉन्च करा गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी सी मुर्मू हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट, अभी तक भी जिसने सेशन को सब्सक्राइब नहीं करा और जो हमारी सेशन में जुड़ रहा है पहली बार, वो सेशन को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, फोन पे हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फोन पे ने हाल ही में किसके साथ टाइप करा है जो कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और ये बन गया ICICI बैंक। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। ICICI बैंक के साथ पार्टनर करा है, फ़ोन पे ने पार्टनरशिप करी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत, जिससे क्या है कि कस्टमर अपनी मल्टीपल IDs बना सकेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे और फ़ोन पे पे, और जिससे कि वो लेन देन कर पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर है मेंगलुरु में, यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और केनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन है। और हम देख लेते हैं ICICI बैंक के फैक्ट्स। ICICI बैंक फाउंडेड हुआ था 5 January 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई, और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD एंड CEO है संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। और कर्नाटका बैंक की टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, Recently, World Bank has sanctioned $500 million to which country for cross-country road projects? हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस कंट्री को 500 million जो है दिए गए हैं क्रॉस कंट्री जो रोड प्रोजेक्ट है उनके लिए, उस कंट्री का जो क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट है, एंड आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश को दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन रिसेंटली क्रॉस कंट्री रोड प्रोजेक्ट के लिए। तो आइए हम देख लेते हैं बांग्लादेश की मैप में पोजीशन, साथ ही हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स। बांग्लादेश की जो है इंडिया की इस बॉर्डर से, यहाँ पे जो ये स्पेस दिख रहा है वाइट सा, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका, और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC,
और डेविड मलपास जो हैं, डेविड मलपास हैं वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल डीजी जो हैं, और वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 189, और अंशुला कांत जो हैं CFO हैं और वर्ल्ड बैंक की, और रिसेंट में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो अपॉइंट करा गया था कार्मेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट करा था। ये बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, IIT रोपर रैंक्ड 62nd ऑन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द रैंकिंग। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 लॉन्च करी गई है, जो कि 50 ईयर से यूनिवर्सिटीज चली आ रही हैं उनकी आधार पर इनकी रैंकिंग करी गई है, और IIT रोपड़ ने अपना स्थान हासिल किया है 62nd। तो किस यूनिवर्सिटी ने इस इंडेक्स को टॉप करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, हांगकांग की जो यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है फर्स्ट रही है, और नैनांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है ये है सेकंड प्लेस पर, IIT इंदौर है 64th प्लेस पर, और IIT हैदराबाद है 151 से 200 प्लस प्लेस पर। नेक्स्ट, विकेट कीपर बैट्समैन रिचेल प्रीस्ट हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। विकेट कीपर और बैट्समैन रिचेल प्रीस्ट है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, और न्यूजीलैंड के बारे में कल ही हमने एक फैक्ट डिस्कस करा था कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो हैं ये दोनों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये होस्ट करने जा रहे हैं 2023 का फीफा वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी है डॉलर, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी एंड करेंसी डॉलर, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और हमने देखा था कल स्विट्जरलैंड का एक फैक्ट डिस्कस करा था कि स्विस बैंक में जो डिपॉजिटर हैं अपना पैसा पार्क करने वाली अपनी मनी मार्क करने में, इंडिया की रैंक 77 थी और UK ने इसे टॉप करा था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड करेंसी है डॉलर। आई होप कितना सब फैक्ट्स क्लियर होंगे। और न्यूजीलैंड का एक और फैक्ट्स है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है ये टॉप करी गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा, और इंडिया की रैंक थी 63rd। नेक्स्ट, Which state going to launch Adarsh Police Station Scheme with effect from July 1st, 2020? कौन सा राज्य लॉन्च करने जा रहा है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम, जो कि July 1, 2020 से लागू की जाएगी? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ लॉन्च करेगा आदर्श पुलिस स्टेशन। आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कंटिन्यूसली स्कीम लॉन्च करता जा रहा है, तो आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा कौन सी कितनी कैसी कैसी स्कीम्स लॉन्च करी गई है, हम डिस्कस कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्कीम्स। CM भूपेश बघेल हैं, चीफ मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है, गवर्नर है अनुसुईया उइके, CG हार्ट ऐप लॉन्च करा गया। CG को जो CG है ये है छत्तीसगढ़ का साइन, तो CG हार्ट ऐप, इससे आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। CG मीन्स छत्तीसगढ़, तो इजीली रिकॉल कर पाएंगे। CG हार्ड ऐप लॉन्च करा गया छत्तीसगढ़ का। पढ़ाई तो आ द्वार, ये भी आप इजीली रिटेन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ की। पढ़ाई तो आ द्वार, इट स्टडी एट योर डोर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, स्पंदन योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब भी लॉन्च करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, और अब लॉन्च करेगा आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज लॉन्च ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाल ही में ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म ये किनके द्वारा लॉन्च करा गया है, और ये लॉन्च करा गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा जी हैं जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। रेणुका सिंह जो हैं ये भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, पर ये हैं स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ये हैं
रेणुका सिंह और थावरचंद गहलोत है सोशल यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। और जो अर्जुन मुंडा हैं वो आर्चरी एसोसिएशन जो है इंडिया का आर्चरी एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी हैं। और हम देख लेते हैं हमारी क्वेश्चन के फैक्ट्स। द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर श्री अर्जुन मुंडा हैज लॉन्च द ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ही लॉन्च ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो जैम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे गए हैं और साथ ही साथ ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने सेशन को लाइक नहीं करा है और आपको रियली सेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को ज़रूर लाइक करिए और फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा। अरुणाचल प्रदेश हैज सेट अप अ टारगेट टू प्रोवाइड 100% टैप वाटर कनेक्शन इन द स्टेट बाय विच ईयर। अरुणाचल प्रदेश जो है इनके द्वारा टैप वाटर कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा 100%, जो अरुणाचल के जो सिटीजन्स हैं इनको 100% टैप वाटर सबको मिलना चाहिए। ये किस ईयर तक करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश क्या करने जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जल जीवन मिशन लॉन्च करने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए। ये 2023 के तक, यहाँ तक ये इसने लिमिट रखी है, टारगेट रखा है, जो यहाँ के जो सिटीजन है ये सबको 100% टैप वाटर कनेक्शन, जो टैप कनेक्शंस हैं ये प्रोवाइड कर देगा। और नल से जल जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, नल से जल, जल शक्ति मिनिस्ट्री का, इसका टारगेट है 2024 है नल से जल आप अपना रखेगा। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू हैं अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर हैं बी डी मिश्रा हैं गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, ये था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने आपसे पूछा था विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू रेगुलेट इट्स आर्म सेल्स, एंड आप सभी ने आंसर बिल्कुल करेक्टली दिया था, बहुत अच्छे से दिया था। तो चाइना ने आंसर दिया था, और आप आंसर के साथ फैक्ट्स भी डिस्कस करिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स रिकॉल होंगे। जैसे कि चाइना के बारे में फैक्ट्स हैं, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है, करेंसी है रिनमिनबी, और जो हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन है ना वो भी चाइना में लॉन्च करी गई है, और जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर है चाइना की, जो चाइना ने हाई स्पीड मैंगलोर ट्रेन लॉन्च करी है और इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर। और एनडीबी का हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में, और जिसके अनिल किशोरा हैं वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, और मार्को स्ट्रोजो जो हैं वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। और एससीओ का हेडक्वार्टर भी है चाइना के बीजिंग में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आंसर करना है विच स्टेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार। कौन सी स्टेट के पंचायती राज विभाग जो है उनको दिए गए हैं ई पंचायत पुरस्कार दिए गए हैं? तो आपको बताना है आंसर, और साथ ही आपको टाइप करने उस स्टेट के फैक्ट्स भी, टाइप करेंगे जिससे कि आपकी नॉलेज और इंक्रीज होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल हो सकेगा। दैट वॉज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।